नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में नाली में पड़ी मिली 3-4 माह की मासूम बच्ची। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के नर्मदा घाट बोरास पर नाली में 3-4 माह की मासूम बच्ची पड़ी हुई मिली, जिसे हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष गिरजेश प्रताप सिंह उदयपुरा थाने लेकर पहुँचे। वहीं पुलिस ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा भेजा, जहां डॉक्टर महेंद्र धाकड़ ब्लॉक मेडिकल अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मासूम बच्ची स्वस्थ है पाई गई। वहीं बच्ची को महिला बाल विकास एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त कार्यवाही के बाद जिला चिकित्सालय रायसेन भेजा गया। उदयपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके परिजनों को तलाश शुरू कर दी और मीडिया के द्वारा फोटो सोशल मीडिया पर भेजी गई है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है, किस पद पर पदस्थ हैं आप? डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़ नाम है मेरा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में पदस्थ। अजी, जो बच्ची आई है कहाँ से आई, किसके द्वारा यहाँ लेके आया, क्या स्थिति है उसकी? एक अज्ञात बच्ची TI साहब और कुछ जनसमूह के द्वारा यहाँ लाई गई थी, जिसका संपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण करके और महिला बाल विकास की मैम खुशबू अग्रवाल जी जो CDPO मैम है उनको भी पूरी जानकारी दी गई, उनको बुलाया गया और जिसमें बच्चा स्वास्थ्य पाया गया है और पुलिस विभाग के द्वारा और महिला बाल विकास के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बच्चे को अच्छे तरीके से 108 एम्बुलेंस के द्वारा रायसेन रेफर किया गया। जो बच्ची मिली है उसकी उम्र कितनी है? लगभग 2 से 2.5 महीने की बच्ची है अभी वो जी। गिरजेश भैया द्वारा लाके थाने पर पेश किया उसको, उनकी टीम पूरी ने बड़ा अच्छा और सहयोगी काम किया है, तत्काल पुलिस बल भी एक्टिव हुआ है और लेकर हम अस्पताल आए हैं, उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, वो एकदम स्वस्थ है और उसको हमारी प्रक्रिया करके यहाँ से जो डॉक्टर BMHO है डॉक्टर महेंद्र उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया कर ली गई है, अब रायसेन के लिए उसको रवाना कर रहे हैं। अभी कोई आया है ऐसा जो बच्ची का पालक वगैरह कुछ भी ऐसी सूचना नहीं मिली अभी? नहीं, अभी ऐसा कोई आया नहीं है, हम लोगों ने पूरे मीडिया के जितने भी ग्रुप उनको फोटो को हमने वायरल कर दिया है और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो हम उनसे अवगत करा कर उनको। जो गुड़िया है वो कहाँ मिली है, आप कहाँ से लेके आए उसको? हम बोरास घाट पे दीपदान करके वापस हो रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग मिले वहाँ पर हमें जी, जिन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और बताया भैया यहाँ पर एक नालियाँ बनी हुई खंतियाँ बनी रहती हैं, उनमें गुड़िया पड़ी थी, कुत्ते खड़े थे वहाँ पर, उन लोगों उन्होंने भगाया और बताया ऐसी ऐसी स्थिति है जी। तो 4-5 लोग थे वो, उन लोगों से फिर हमने पहले TI साहब से संपर्क किया और गुड़िया को लेकर सीधे थाने पहुँच गए। क्या स्थिति है अभी उसकी? अभी स्वस्थ है, हॉस्पिटल में सर के साथ में हॉस्पिटल आए, यहाँ पर दिखवाया, डॉक्टर साहब ने बोला है स्वस्थ है गुड़िया, तो और चेकअप चल रहा है उसके, बाकी बढ़िया स्वस्थ है, फिटिंग वगैरह कराई उसको और यहाँ सर के और हॉस्पिटल के हवाले उसको कर। जी राजपूत सांसद प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जनपद पंचायत। क्या जानकारी मिली जो कि आप दौड़े दौड़े यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचे? जी अभी सूचना मिली कि एक छोटी बच्ची कोई छोड़ गया है, वो अच्छे सुरक्षित है और अच्छे हाथों में मिली है और कपड़े भी पहने हैं और सूचना मिली तो मैं अस्पताल अभी आया देखने के लिए, तो सभी लोग हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष गिरदेश प्रताप सिंह जी, TI साहब भाटी जी, SI साहब और सभी पुलिस बल और मेरे सभी साथी उदयपुरा के नगर के सभी युवा साथी सभी यहां अस्पताल में हैं। डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ जी के उसमें लड़की बच्ची जो वो भी सुरक्षित है, स्वस्थ है, मतलब स्वस्थ है कि किसी कुत्ते या उसके उसमें नहीं आई, बोरास में नाली के बगल में छोड़ गए।